Fatiha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلوات محمد وعلى آله عزاداران مظلوم کربلا آج محرم الحرام سن 25 ہجری کی پہلی تاریخ ہے حالات کچھ ایسے تھے کہ میں 2 برس آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا لیکن میں نہیں آیا تو مجھ سے بہتر افراد یہاں موجود رہے اور ان سے آپ اکتساب فیض فرماتے رہے یہ عزا کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا آنے والے آتے رہیں گے جانے والے جاتے رہیں گے مگر یہ سلسلہ ظہور امام زمانہ تک انشاءاللہ جاری رہے گا اس لیے کہ جس اللہ نے اس آیہ کریمہ میں جس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں ابھی آخر کار اسلام کے غلبے کی پیشین گوئی کی ہے کہ انجام اس دنیا کا اسلام کے غلبے کے اوپر ہوگا اسی اللہ نے یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ عزا بھی اسی امام کے ظہور تک قائم اور برقرار رہے گی سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں جو بے مثال قربانی دی تھی اسی کی یادگار ہم مناتے ہیں اور سب مسلمان مناتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے ہمارا انداز یہ ہے کہ چونکہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے تھی یزید کے دور میں اسلام پر خطرناک ترین وقت پڑا تھا اس لیے کہ 2-4 آدمی اگر بہک جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے لیکن جو اپنے کو خلیفہ رسول کہہ رہا ہو وہ بد کردار ہو جائے تو پھر غیر یہی سمجھیں گے کہ اسلام یہی ہے جو یزید کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے
ये बड़ा ख़तरनाक मरहला था। इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उठे और आपने वो क़ुरबानी पेश की कि दुनिया को ये अंदाज़ा हो जाए कि बादशाहत और मलूकियत का इस्लाम से कोई राबिता नहीं है। इस्लाम को समझना है तो बादशाहत और मलूकियत को छोड़कर इमामत के दर के ऊपर आओ, तो तुमको मालूम होगा कि इस्लाम क्या है। तो आयत का तर्जुमा आप समाअत फरमा लें। इरशाद इलाही है कुरान पाक में, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा, वो अल्लाह सारी कायनात का बनाने वाला, ज़मान व मकान का पैदा करने वाला, जिसके अलावा सब मोहताज और वो गनी, जिसके अलावा सब बेबस और वो मुख्तार कुल, जिसके हाथ में मौत भी है और हयात भी है, वही अल्लाह वो है कि जिसने अपने पैगंबर को अपने रसूल को भेजा, तवज्जो रखिएगा, भेजा, यूं नहीं भेजा कि भेजा हो और उसके बाद हिदायत की हो, मैं लफ्जी तर्जमा सब आपके सामने पेश कर रहा हूँ, अरसलहु बिलहुदा, भेजा तो हिदायत के साथ भेजा, ये हिदायत अपने साथ लेकर आए, व दीनिल हक, और दीन हक को लेकर आए, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ले, ताकि वो अल्लाह इस दीन हक को अंजाम कार एक दिन सारे वर्ल्ड ऑर्डर्स के ऊपर, सारे निज़ाम हाय बातिल के ऊपर, सारे गलत सलत मज़ाहब के ऊपर इसे गालिब कर दे। वलो करे हर मुशरिकून, अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के सिफात, अल्लाह के अहकाम और अल्लाह की इबादत में शिर्क करने वालों को चाहिए बात कितनी ही गरा क्यों ना गुजरे। मसला ये है कि कुरान कह रहा है कि ये दीन गालिब होगा, और हम जब मुसलमानों की हालत पर गौर करते हैं तो मुसलमान हर जगह मगलूब दिखाई दे रहे हैं, तादाद बहुत ज़्यादा है, 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं, 57 इस्लामिक स्टेट्स हैं, मगर इसके बाद भी मुसलमान हर जगह ज़िल्लत, रुसवाई, कत्ल और मज़लूमियत का शिकार हैं। तो क्या कुरान की पेशगोई माज़ल्ला गलत हो रही है? तारीख़ पर नज़र कीजिए, ये 30-35 लाख यहूदी, 30-35 लाख कुल यहूदी जो आज दुनिया पर छाए हुए हैं, और वो दुनिया पर इसलिए छाए हुए हैं कि इस वक्त की जो सुपर पावर है उसकी गर्दन यहूदियों के हाथ में है, वहाँ का प्रेसिडेंट कोई काम यहूदियों की मर्ज़ी के बग़ैर और उनके इशारे के बग़ैर कर नहीं सकता है, इतनी बड़ी ताकत चूँकि उनके साथ है इसलिए वो जो चाहते हैं वो दुनिया में हो जाया करता है, तो बज़ाहिर तो गालिब वो दिखाई दे रहे हैं और हम बज़ाहिर मगलूब दिखाई दे रहे हैं, मगर तारीख को पढ़िए, ये चंद रोज़ा गलबा यहूदियों को आज मिला है, मगर यही कौम वो है कि जो मुसलसल जिसकी 2000 साल तक किलिंग होती रही है, जिसको दो हम उसका साथ नहीं देते, वो जो किलिंग थी, जो कत्लोगारत गई थी, वो गलत थी किसी की भी हो, 2000 बरस तक, 2000 साल तक ये कौम काटी गई है। यूरोप में एक लहर चली थी हिटलर के ज़रिए से जर्मनी में, और उस लहर में आधी आबादी यहूदियों की ख़त्म हो गई थी, टोटल आबादी थी यहूदियों की उस वक्त 1 करोड़ 20 लाख,
और 1,20,00,000 में से 60,00,000 यहूदी कत्ल कर दिए गए। 1,20,00,000 में से 60,00,000 यहूदी, 6 मिलियन यहूदी, 12 मिलियन यहूदी थे उसमें 6 मिलियन यहूदी ने आधी तादाद होती जो कत्ल कर दी गई। तो उनकी किलिंग तो हमसे ज्यादा हुई है, वो तो तनासुब के एतबार से हमसे बहुत ज्यादा कत्ल किए गए हैं, लेकिन आज दुनिया पर छाए में है। क्यों? ऊपर जाने के भी रास्ते हैं, नीचे उतरने के भी रास्ते हैं। जो आदमी ऊपर जाने के रास्ते पर चलेगा वो चढ़ता चला जाएगा, जो आदमी नीचे उतरने के रास्ते पर चलेगा वो नीचे उतरता चला जाएगा। ये दुनिया आलम असबाब है, जहालत अंधेरा है, इल्म रोशनी है। जो जहालत को पकड़ेगा जवाल उसका मुकद्दर है, जो इल्म को पकड़ेगा इज्जत उसका मुकद्दर है। वो कम थे मगर उन्होंने इल्म को पकड़ लिया, वो मुंतकमाना नफ्सियात के शिकार नहीं हुए, उन्होंने खामोशी से काम किया, अपनी कौम को खूब पढ़ाया, तालीम में खूब आगे बढ़ाया, यूनिवर्सिटियों पर जाकर कब्जा कर लिया, फाइनेंस को कंट्रोल कर लिया, मालियात को अपने कब्जे में कर लिया। जाहिर है कि जब मालियात को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया तो वो मुल्क के जो सरमाया परस्त मुल्क है उसकी बागडोर उनके हाथ में आ गई। लेकिन ये चीज़ हमेशा रहने वाली नहीं है, आप तक पूरी सही खबरें पहुँचती नहीं हैं। इसराइल में खुद अंदर क्या हाल है उसकी मुझे पता है, लोग पागल हो रहे हैं, लोग साइकोलॉजिकल बीमार हो रहे हैं। वो लोग के जो आरजुओं और तमन्नाओं के साथ इसराइल में यूरोप से और नरम कहाँ कहाँ से आए थे वो सब बोरिया बिस्तर समेट समेट कर वापस जा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि कुरान मजीद ने एक बात पर बहुत पहले कह दी थी, यहूदियों की जहनीत बता दी थी कि ये हर बात के लिए तैयार होंगे, मरने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अब जब उनको नजर नहीं आ रहा है कि जिसको हम जन्नत समझ कर आए थे यहाँ उसको जन्नत का रास्ता खुला हुआ है तो वो भाग रहे हैं। मुलाहिज़ा किया आपने? तो कुरान की ये पेशिनगोई जो है, अगर आप मुझे ये दिखा दें, कोई साहब मुझे ये दिखा दें कि कुरान मजीद की कोई पेशिनगोई कभी गलत हुई, माज़ल्लाह तो मैं समझ लूँगा कि ये पेशिनगोई जो है गलबा इस्लाम की ये भी गलत हो सकती है। लेकिन जिस किताब की कोई पेशिनगोई कभी गलत ही नहीं हुई, मगर आपको इंतज़ार करना पड़ता है। मुसलमानों की एक मुश्किल ये कि ये जल्दबाज है, इंतज़ार की आदत इनको नहीं है, हमको है, हमें है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें कोई फिक्र नहीं है, हमें तो इंतज़ार की आदत है ही। और मुसलमानों को भी, हमारे भाई हैं सब, फिजा इस वक्त बदल गई है अल्लाह का शुक्र है, सब मुसलमान हमारे भाई हैं, किसी मसले के हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, हमारे भाई हैं, ये ज़रा ज़रा से फ़र्क हैं, ये नेचुरल फ़र्क है। दो भाइयों में फ़र्क होता है, बाप बेटे की जहनीत में फ़र्क होता है, वो कौन सी बड़ी बात है। तो अब आप देखिए कि आपकी नज़रों के सामने इसी कुरान मजीद की एक पेशिनगोई मौजूद है, वो कितने अरसे के बाद पूरी हुई। हज़रत कुरान मजीद में है कि हज़रत इब्राहिम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जो हुजूर के बाद सबसे बुजुर्ग नबी हैं, वो ये दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में, जिसका जिक्र कुरान मजीद में है कि रब्बना वबअथ फीहिम रसूलम मिनहुम यतलु अलैहिम आयातिका वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पालने वाले इन लोगों में इन्हीं में से एक नबी को भेज दे कि जो इनमें आयत इलाही की तलावत करे, इनमें इल्म फैलाए, इनका तस्किया नफ्स करे। दूसरी आयत ने जवाब दिया कि इब्राहिम हमने तुम्हारी ये दुआ कबूल कर ली। क्या इरशाद दुआ कि हमने तुम्हारी ये दुआ कबूल कर ली। अभी तो कबूल कर ली तो हुजूर आ जाए। कबूलियत दुआ का वादा हो रहा है इब्राहिम से और हुजूर कब जाहिर हो रहे हैं? हजरत इब्राहिम के इंतकाल के 2,000 बरस के बाद, 2,000 बरस के बाद दुआ उस वक्त कबूल हुई। और कबूलियत दुआ का नतीजा कब सामने आ रहा है? हुजूर की शक्ल में 2,000 बरस के बाद।
और किया आपने। तो जब इब्राहिम से किया हुआ वादा 2000 बरस के बाद पूरा हो रहा है, तो हुजूर से किए वादे को तो अभी कुल 1500 बरस हुए हैं। अभी तो वैसे ही 500 बरस बाद। तो जल्दी किस बात की है? बस ये दुनिया आलम असबाब है। मुहर्रम अगर न होता तो मैं आपको मुबारकबाद देता, लेकिन ये शोक का महीना है, ये गम का महीना है, ये हज़दारी का महीना है, मुबारकबाद आपको नहीं दे सकता। लेकिन मेरी याद में, बल्कि तारीख में, जहाँ तक मेरा हाफिजा साथ दे रहा है, ये बात पहली मर्तबा हुई है, बिल्कुल बिल्कुल पहली मर्तबा हुई है कि इमाम काबा, यानी वो सरकारी इमाम जो मस्जिदुल हराम में मुसलमानों को नमाज पढ़ाते हैं और सारे मुसलमान उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, उन इमाम काबा ने पहली मर्तबा तारीख इस्लाम में इस बात का ऐलान किया कि अब फितने तकफीर को बंद होना चाहिए। बस तमाशा हो चुका, अब कोई फिरका दूसरे फिरके को काफिर न कहे। और जाहिर है कि इमाम काबा उनकी बड़ी इज्जत है, हम भी उनकी बड़ी इज्जत है, मैंने खुद उनके पीछे नमाज पढ़ी है, हम उनका बहुत एहतराम करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इमाम काबा वो ही कहते हैं जो सऊदी अरब का बादशाह कहलवाना चाहता है। तो ये इमाम का पैगाम भी है और हुकूमत की पॉलिसी भी डिक्लेयर हो गई, सऊदी हुकूमत की पॉलिसी भी अब से डिक्लेयर हो गई, हम इसको वेलकम करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और इसका पूरे आलम इस्लाम के ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए कि काबे से भी बुलंद होने वाली आवाज़ को अगर मुसलमान नहीं सुनेंगे तो फिर किस आवाज़ को सुनेंगे? ये आवाज़ काबे से बुलंद हुई है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, दे रहा है दुरुस्त आया, ठीक है आज सही, कम से कम बात तो सामने आई, इसका असर पड़ेगा, मुसलमान मुत्तहिद होंगे, आपस के इख्तलाफात को भूलेंगे, हर शख्स ये समझेगा कि मसलक हमारा है, दीन अल्लाह का है, जिसको मैं आपके सामने शायद अर्ज कर चुका हूँ। और जिस दिन मुसलमान एक हो गए, उसी दिन से अल्लाह का वादा है रसूल के ज़माने के, यदुल्लाह माल जमा, अगर तुम ये चाहते हो कि वो एक तुम्हारे साथ हो जाए तो पहले तुम एक हो जाओ। जिस दिन तुम एक हो गए, उसी दिन से अल्लाह का हाथ तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, और जब अल्लाह का हाथ हमारे ऊपर आ जाएगा तो यदुल्लाह फौका अहदीहिम, दुनिया की हर ताकत के ऊपर अल्लाह का हाथ गालिब रहा करता है। तो गलबे इस्लाम की पहली अलामत तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सामने आ गई। अजीजों, अभी शायद 15 दिन पहले की बात होगी, जब दिल्ली में इंडोनेशिया के साबिक सदर अब्दुल वाहिद, बड़े स्कॉलर हैं वो, आए हुए थे, तो दिल्ली के एक मेरे दोस्त हैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, दिल्ली के नुमाया शख्सियत हैं, इस्लामिक सेंटर के सदर हैं, इंटरनेशनल इस्लामिक सेंटर के सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, उन्होंने ताज होटल में उनके एजाज़ में डिनर दिया और मुझे अपनी जगह से बुलाया कि आप आइए, मैं बहुत मेरा लिहाज करते हैं, इतना इसरार किया उन्होंने कि मैं वहाँ पहुँच गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि माहौल कैसा बदल रहा है। तो उस इस्तकबालिया में हर फ़िरक़े के लोग मौजूद थे, हर मसलक के लोग मौजूद थे, और अब्दुल वाहिद साहब ने बहुत ही स्कॉलरली तकरीर की, और उनका ज़ोर भी इसी बात के ऊपर था कि लड़ने का ज़माना ख़त्म हो गया, अब मिलने का ज़माना है, अब हमें अपनी आंखें खोल लेना चाहिए, हम लड़ नहीं रहे थे, हमको लड़ाया जा रहा था।
इसलिए कि दुनिया जानती थी कि मुसलमान वो है कि इन पर काबू उसी वक्त पाया जा सकता है कि जब ये मिलने ना पाए, और जब ये मिल जाएंगे तो हमारा जवाल हो जाएगा। खैर वो डिनर वनर हो गया, मैं सब नाम पते आपको सब बता रहा हूँ कि अव्वल तो आप ये सोच ही सकते कि मैं इस मेंबर पर आकर, जो मेरे बाप दादा का मेंबर नहीं, जो रसूल का मेंबर है माज़ल्ला, जानबूझकर कोई गलत बात कहूँगा, अस्तग़फ़िरुल्लाह, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नाम पते सब बता देता हूँ कि किसी को भी शक हो तो वो चेक कर ले। डिनर होने से पहले दिल्ली के एक बहुत बुज़ुर्ग सुन्नी आलिम ख्वाजा हसन सानी निज़ामी साहब, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में हैं, मैं उनके पास जाकर बैठ गया, उनसे गुफ्तगू शुरू हुई। तो मैंने उनसे कहा कि आपका एक वाक़या वो है जो मैं अक्सर मजलिसों में आपका हवाला देकर पढ़ा करता हूँ। कहने कौन सा वाक़या? मैंने कहा आप याद कीजिए, जब से कुछ बरस पहले ऐवान गालिब में बहुत बड़ा वो हाल है दिल्ली का, उसमें जश्न मौलूद काबा हो रहा था, और जश्न मौलूद काबा करने वाले भी अली सिद्दीकी साहब थे। अब सिद्दीकी के नाम से ज़ाहिर है कि अहले सुन्नत में थे वो, हमारे शिया नहीं थे, इसलिए मुकर्रीन भी ज़्यादातर अहले सुन्नती हजरात थे, और आप भी तशरीफ़ फरमा थे, और शियों में मैं था। कहा याद है मुझे? तो मैंने कहा उसके बाद क्या हुआ था? कहें हाँ मुझे याद है खूब, क्या हुआ था उसके बाद? मैंने क्या हुआ था आप बताइए, वही वाकई मैं पढ़ा करता हूँ। कहें वो ये हुआ था कि वो सब हजरात आ रहे थे तकरीरें करने के लिए, और मौला अली के बड़े फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान कर रहे थे, बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मगर हर आदमी बात को यहीं पर लाकर ख़त्म करता था कि फ़ज़ाइल तो मौला अली के ये हैं और ऐसे थे वैसे थे, और ये उनकी खसूसियात थे, और ये उनके कलामात कमालात थे, और ये उनके फ़ज़ाइल हैं, और ये उनके मनाक़िब हैं, और ये उनके मरातिब हैं, मगर ये जो कहा जाता है कि वो काबे के अंदर पैदा हुए थे, ये बात सही नहीं है। हर आदमी आकर बात को यहीं पर ख़त्म करता था कि ये बात सही नहीं है। तो कह ले कि मैंने कहा फिर आपने क्या किया था, मैं आपकी ज़बानी फिर सुनना चाहता हूँ। कह ले मैंने ये किया कि जब 6-7 आदमी मुसलसल ये कह चुके कि सारे मनाकिब मुसल्लम हैं, और सारे दर्जात उनके मुसल्लम हैं, और सारे फ़ज़ाइल उनके मुसल्लम हैं, लेकिन अली काबे में पैदा नहीं हुए थे, तो कह ले मैं खड़ा हुआ, मैंने खड़ा होने के बाद इतना कहा कि जितने मुकर्रीन हैं, जितने स्कॉलर हजरात हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि मौला अली काबे में पैदा नहीं हुए थे। तो पैदा तो हुए थे कि पैदा ही नहीं हुए थे? और वाकई उनका था कि तो पैदा तो हुए थे या पैदा ही नहीं हुए थे? तो सब ने कहा कि हाँ पैदा तो हुए थे। तो कहने मैं जब सब ने कहा कि पैदा तो हुए थे, तो मैंने कहा फिर आप वो जगह बता दीजिए जहाँ पैदा हुए थे, उसी को काबा बना देंगे। तो मैंने कहा ये वाकया मैंने दुनिया भर में पढ़ा है, चूंकि मैंने खुदा के कानून से जबान से ये वाकया सुना था, मैंने सब जगह रिपीट किया। कहले इसके बाद एक और वाकया हुआ, ये वाकया मैंने आपको इसीलिए सुनाया। कहले इसके बाद एक मैं उसके बाद क्या वाकया हुआ? कहले अभी 2 साल पहले की बात है। मैं कहा वो क्या हुआ? कहले कि अब देखिए आप भी गड़बड़ ना क्या कीजिए, आप लोग फट से कह देते हैं कि सुन्नी अहले बैत के चाहने वाले नहीं होते हैं, ये बात सही नहीं है। सुन्नी अगर ये कहते हैं कि आप कुरान पर ईमान नहीं है तो वो भी गलत कहते हैं, और आप अगर कहते हैं कि सुन्नी अहले बैत से मोहब्बत नहीं कहते तो आप भी गलत कहते हैं, ना वो सही कहते हैं ना आप सही कहते हैं। तो अब देखिए सुन्नी के तो कॉल था, मैंने आपके सामने पेश किया। क्या अभी 2 साल पहले वो कल्बे साजिद साहब में गया हज करने के लिए, और हज करने के बाद मैं मदीना शरीफ गया, और मदीना शरीफ जब जाने के बाद हुजूर के रोज़े अक़दस पर मैंने हाज़िरी दी, और हुजूर की जरी के सामने खड़ा हुआ, और उसके बाद जो मरासी में इजारत थी वो बजा लाया, और उसके बाद मैं उल्टे पैरों वापस होने लगा। कैसे वापस होने लगा? उल्टे पैरों, एहतराम के तौर पर, कि मुँह मेरा जरी की तरफ था, वो मुआज शरीफ कहा जाता है, मुँह मेरा हुजूर के जरिए की तरफ था, और मैं उल्टे पैरों वापस हो रहा था कि एक सऊदी शुरती ने, यानी पुलिस के एक आदमी ने मुझे देख लिया कि मैं उल्टे पैरों वापस आ, फट से आके मेरा बाजू पकड़ा और कहा ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? उल्टे पैरों वापस हो रहा हूँ, इज्जत इस्लाम का तकाजा है, उल्टे पैरों वापस हो रहा हूँ। कहा नहीं, मैं तुमको वहाँ तक लेके चलता हूँ फिर, और वहाँ से उधर से पीठ मोड़ के आओ। ये अभी 15 दिन पहले की बात है, मुझसे बताइए खुद हूँ। ख्वाजा हसन निज़ामी साहब निज़ामुद्दीन दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन नई दिल्ली, आप टेलीफोन नंबर लेना चाहें वो भी मैं दे दूँगा आपको। कह ले के तो उसने कहा कि आपको वहाँ तक जाना होगा, और जाने के बाद फिर आपको पीठ मोड़ कर, कह ले ये तो मैं नहीं करूँगा।
जब मैंने कहा कि ये तो अब बूढ़े आदमी बेचारे कह ले, जब मैंने कहा कि ये तो मैं नहीं करूँगा तो उसने कहा फिर आपको थाने चलना होगा, हम आपकी पिटाई होगी। अब पिटाई तो मजर से बात होती है, तो कहा कि आपको वहाँ चलना होगा और आपकी पिटाई होगी। मैंने कहा ठीक है तो मुझे ले चलो थाने, मैं पिटने पर तैयार हूँ, मेरी पीठ पर कोड़े पड़े ये मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन रसूल की जरी की तरफ मेरी पीठ हो जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखिए ये एहतराम की बात है, मैं अपना अपना मसलक है और क्या। कहले ये जो जरा कुछ जोर जोर बात हुई तो दो आदमी इधर से और चार आदमी उधर से और पांच आदमी उधर से और दस आदमी उधर से, कहले कल वे सादिक साहब कोई 250-300 आदमियों ने मुझे घेर लिया, जिसमें से मैं एक को भी नहीं पहचानता था। 250-300 आदमियों ने घेर लिया मुझे, उनमें से मैं एक को भी नहीं पहचानता था, और उन्होंने उस सिपाही से लड़ना शुरू किया कि तुम क्या बदतमीजी करो, इतने बड़े हाली में ये है वो है। इतना हुल्लड़ हंगामा हुआ कि वो अकेला पड़ गया, उधर 250-300 आदमी हो गए तो वो भागा वहां से, वो सिपाही जो था वो भाग गया। अब कहने जब वो सिपाही भाग गया तो मैंने उस मजमे पर 250-300 आदमियों के जो हुजूर के मस्जिद नबवी के अंदर जमा हो गया था, मैंने गौर से देखना शुरू किया कि मैं इनमें से किसी को पहचानता हूँ, तो मैंने देखा कि मैं उनमें से किसी को पहचानता ही नहीं। तो मैंने लोगों से कहा कि मैं तो आप हजरात में किसी को नहीं पहचान पा रहा हूँ, आप मुझे पहचानते हैं? कहा हम भी आपको नहीं पहचानते हैं। वो कोई उसमें हिंदुस्तान का था ही नहीं, नरम कहाँ कहाँ के लोग थे। कहले हम भी आपको नहीं पहचानते। कहले बाप पहचानते नहीं तो आप मुझे बचाने के लिए क्यों आ गए। कहा कि हम आपको पहचानते तो नहीं हैं, मगर हमने कैसेट में आपका वो तकरीर का जुमला सुना था, उससे आपकी मोहब्बत हमारे दिल में पैदा हो गई थी। इसलिए हम आपकी मदद के लिए आ गए। तो मैंने कहा अब अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ अर्ज़ करूँ। कहने कही है, मैंने कहा आपने मौला की मदद की तो मौला का किसी का एहसान अपने ऊपर रखते नहीं। उन्होंने मस्जिद नबवी में आपकी मदद की और आपको पिटने से बचा लिया। कहने हाँ बात तो यही है। फिर कुछ और भी उन्होंने कहा जिसके अर्ज़ करने का इस वक्त मौका नहीं है, बात तो उन्होंने कुछ और भी कही थी। तो अर्ज़ करने का मकसद ये है कि इस वक्त इत्तेहाद वहदत इस्लामी सब मुसलमान भाई भाई, यही आज़ादारी का पैगाम है। आज़ादारी किसी फिरके की जागीर नहीं है। अहले बैत इख्तलाफी शख्सियत नहीं है। अब आप ये चाहें कि जैसे आप मानते हैं वैसे सम्मान है, ये तो भाई गड़बड़ की बात है। अपने पति का सब एहतराम करते हैं। अब आप दूसरे मसलक की बात देख लीजिए। आप हजरात नाम ज़रूर सुना होगा, अभी 2 साल पहले तो उनका इंतकाल हुआ है, हजरत मौलाना अबुल हसन अली नदवी, जो नदवतुल उलमा के चांसलर, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो हिंदुस्तान की सबसे वकीय तंजीम है सारे मुसलमानों की जिसमें हर फिरके के लोग शामिल हैं, उसके सदर, फैसल अवार्ड जिनको मिल चुका है, मगर मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे देवबंदी मसलक के, सख्त देवबंदी मसलक के, मगर अब जब जरा सा मुसलमानों पर वक्त पड़ा तो उन्होंने तकरीर में क्या कहा, कैसे आप कह सकते हैं कि वो नहीं मानते। बड़े अच्छे मुकर्रर थे, उन्होंने अपनी तकरीर में सारी दुनिया के मुसलमानों से खिताब करके ये कहा कि मुसलमानों सुन लो, अब तुम पर एक ऐसा आलम इब्तला आ गया है, हर तरफ से ऐसा घिर गए हो, हर तरफ से दुश्मन का शिकंजा तुम पर इतना सख्त हो रहा है कि अब तुम्हारी नजात का एक ही रास्ता है, तुम्हें कूफे और दिमिश्क की तरफ नहीं देखना पड़ेगा, अब तुम्हें करबला की तरफ देखना पड़ेगा। इसलिए मैं हैदराबाद के ये मेरी आवाज़ मेरा पैगाम मेरे सुन्नी भाइयों तक पहुंचा दिए, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे देवबंदी हों, चाहे वो मुकल्लिद हों, चाहे वो गैर मुकल्लिद हों,
वो शौक से यहाँ तशरीफ़ लाएँ। इस फर्श अज़ा पर जो आ जाएगा वो मेरा मेहमान नहीं है, वो अहले बैत का मेहमान है। और जो अहले बैत का मेहमान है, मुझमें मजाल नहीं है, मुझमें ताकत नहीं है, मुझमें ये जुरत और हिम्मत नहीं है कि मैं कोई ऐसी बात कहूँ कि जिससे उसकी दिल आज़ारी हो। मैं तो इस्लाम की बात करूँगा सिर्फ, मैं तो सिर्फ इस्लाम की बात करूँगा। अजीज़ आप गौर कीजिए, अक्सर जगहों पर मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूँ, ये कोई बनावटी बात नहीं है, वाकईत है ये। तो हमारे मौलाना इरफानी साहब तशरीफ़ फरमा है, इनके साथ भी अक्सर ही हुआ होगा कि किसी देहात में गए, किसी गांव में गए, वहाँ उसी दिन या उससे एक रोज़ पहले बच्चा पैदा हुआ है किसी के यहाँ, वो लेकर आए गए कि ये बच्चा कल पैदा हुआ, ये बच्ची कल पैदा हुई है, मौलाना साहब आप इसका नाम रख दीजिए। मौलाना साहब कैसे नाम रखें, मौलाना साहब कैसे नाम रखें? देखिए आप बात कहाँ तक जाती है, बात कहाँ तक जाती है। जब इमाम हसन पैदा हुए तो मौला अली ने रसूल से फरमाया, हुजूर करीम से कहा कि बच्चा पैदा हुआ इसका नाम रख दीजिए। कहा मैं नाम रखने वाला कौन? अल्लाह नाम रखेगा। तो हसन का नाम हसन रसूल ने नहीं रखा है, अली ने नहीं रखा है, ऊपर से आया। जब इमाम हुसैन पैदा हुए फिर मौला अली ने रसूल से कहा कि आप नाम रख दीजिएगा। मैं कौन नाम रखने वाला? वो नाम रखेगा। पालने वाले इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए? कहा हुसैन। मेरे मुसलमान भाई गौर करें, मैंने डॉक्टरेट की है अरबिक लिटरेचर में, अरबी ज़बान पर मेरा काम है, और यहाँ भी मुझसे अच्छे स्कॉलर्स अरबी ज़बान के मौजूद होंगे। मैं उनकी खिदमत में बहुत मौदबाना दस्ते अदब बांध कर अर्ज करता हूँ कि इन दो शहजादों से पहले तारीख अरब में जो कई हज़ार साल से चली आ रही थी, किसी का नाम हसन और हुसैन दिखा दें, दिखाई नहीं सकते, ये नाम ही नहीं मिलेंगे आपको। मैं बिल्कुल दावे से कर रहा हूं, मेंबर पर कह रहा हूं, कैसा मुझे दिखा दें कि इन दो शहजादों से पहले ये संस्कृत के नाम तो नहीं है ना, ये हिंदी के नाम नहीं, अंग्रेजी के नाम नहीं, अरबी के नाम है, हुस्न से है, हुस्न का है कि लफ्ज अरबी, उसी से हसन है, उसी से हुसैन है। तो अगर से दोनों खालिस अरबी के लफ्ज हैं, मगर तारीख़ अदब अरबी में और तारीख़ अशखास अरब में आपको ये नाम मिलेंगे ही नहीं। मोहम्मद नाम बहुत मिलेगा आपको और सारे नाम मिलेंगे, लेकिन हसन हुसैन नहीं मिलेंगे। तो मुसलमान गौर करें कि अगर अल्लाह चाहे तो अरबी ज़बान के अंदर अरबी ज़बान ही के दो नामों को गैबत के पर्दे में छिपा सकता है कि वो नाम नजरों के सामने मौजूद हों और किसी को ना दिखाई दे रहा हूँ। बस शुरू में ये वाक नामों को छिपा लिया, आखिर में ये वाक जात को छिपा लिया, सलवात पर मोहम्मद वाले। तो अब मौला अली ने जब हुजूर से कहा कि आप नाम रखिए, तुमने कहा कि अल्लाह पर मैं सबकत नहीं कर सकता, वो नाम रखे। अब मौलाना इरफानी साहब पास जब कोई साहब आते हैं या मुझे हकीर जलील पास कोई शख्स आता है कि मौलाना साहब इस बच्चे का नाम रख दिया, मैं आपको को जानता हूँ कि मैं कितने पानी में हूँ, तो मैं अल्लाह में कैसे पूछूँ, मैं कैसे पूछूँ? तो मैं कहता हूँ अल्लाह का कलाम लियाओ। अल्लाह कलाम लाया गया, कुरान मजीद लाया गया, एक मखसूस दुआ है वो पढ़ी गई, दुआ पढ़ने के बाद कुरान को खोला गया, और कुरान को खोलने के बाद जो पहला लफ्ज़ दिखाई दिया, मुलाहिज़ा किया आपने, पहली सतर का पहला लफ्ज़ उसी की मुताबिकत से बच्चे का कोई नाम रख दिया गया। तो अब चूंकि हम बराह रास्त अल्लाह से तखातुब नहीं कर सकते, लिहाजा उसके कलाम को वसीला बनाते हैं, और उसे कलाम के वसीले से हम अल्लाह की मर्जी को मालूम करते हैं, और उसके बाद हम बच्चे का नाम रखते हैं। तो हम बच्चों का नाम रखते हैं कुरान मजीद के वसीले से, और हसन हुसैन नाम रखा गया बराह रास्त अल्लाह के हुक्म से, और उसके पीछे उसका फ़लसफ़ा ख़ुद अल्लाह ने बताया क्या है, वो मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहता। तो मेरे असल में मकसद ये है कि
ये वक्त ऐसा है कि सारे मुसलमानों को सबसे पहले मुत्तहिद रहना है। अब आप तवज्जो फरमाइए जो बात मैं कर रहा हूँ। मौलाना इरफानी साहब आप मुझसे बताइए, और कोई आलिम यहाँ तशरीफ़ फरमाए मुझसे बताएं कि अगर आपने किसी बच्चे का नाम रखा, कुछ नाम रखा, मसलन मोहम्मद अली नाम रख दिया, या फ़र्ज कीजिए अब्दुल कुद्दूस नाम रख दिया, या और कोई नाम रख दिया, मेरी क्या हैसियत है? मौलाना साहब मुझसे बेहतर हैं। मगर मेरा भी तजुर्बा यह है कि जो नाम मैंने रख दिया, फिर 10 बरस के बाद जब गया तो उस बच्चे का नाम बदला फिर नहीं गया। ये नहीं हुआ कि मैंने नाम कुछ रखा हो और बाद में उसका नाम कुछ और रख दिया जाए, वो उसी नाम, वो नाम जो मैंने रख दिया कुरान मजीद से निकाल के, वही उस बच्चे का नाम हो गया। अब यहाँ मसला क्या है, कोई है शिया, कोई है सुन्नी, कोई है देवबंदी, कोई है बरेलवी, कोई अपने को अहले हदीस कह रहा है, कोई अपने को अहले कुरान कह रहा है। मुसलमानों गौर करो ज़रा, अरे मेरा ऐसा जलील और रुस्वा इंसान कुरान मजीद की मदद से अगर किसी मुसलमान बच्चे का कोई नाम रख देता है तो माँ बाप ज़िंदगी भर उस बच्चे का नाम तब्दील नहीं करते है। तो तुमको ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे माबूद ने तुम्हारा कोई नाम रखा है कि नहीं रखा है। आप जब कुरान पढ़ोगे मुसलमानों, शियों और सुन्नियों, देवबंदियों, बरेलवियों, सब सुन लो, कुरान तो एक ही है भाई, तो अल्लाह क्या कहता मिलेगा? अल्लाह ये कहता मिलेगा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह वो है, ऐ मुसलमानों, ऐ मुसलमानों, वो अल्लाह वो तुम्हारा पैदा करने वाला, वो तुम्हारा माबूद, वो तुम्हारा मालिक वो है कि जिसने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है। कैसी अजीब बात है कि कल्बे सादिक किसी का नाम रखे तो जिंदगी भर उस बच्चे का नाम वही रहेगा, और अल्लाह हमारा नाम मुस्लिम रख रहा है, हमको मुस्लिम कहते हुए शर्म आ रही है। कोई शिया कह रहा है, कोई सुन्नी कह रहा है, कोई देवबंदी कह रहा है, कोई बरेलवी कह रहा है, कोई अहले हदीस कह रहा है, कोई अहले कुरान कह रहा है। अरे वो नाम अपना पुकारो जो अल्लाह ने तुम्हारा नाम रखा है, तो इख्तलाफ खुद ही खत्म हो जाएगा। सलावात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये भी ना कहो कि मैं शिया मुस्लिम हूं, यह भी ना कहो कि मैं सुन्नी मुस्लिम हूं। देखिए बुरा ना मानिएगा, यहां हर रंग के लोग बैठे हैं और हर उम्र के लोग बैठे हैं और हर तरह के लोग बैठे हैं। मैं अगर इस मजमे से पूछना शुरू करूं आपका नाम, आप कौन हैं, आप क्या हैं, तो कोई ये कहेगा मैं काला मुस्लिम हूं, मैं गोरा मुस्लिम हूं, मैं गंजा मुस्लिम हूं। गंजा जानते हैं ना, इसके बाल नो वो गंजा, अब गंजे ही मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं खुद ही आधा गंजा हो चुका हूँ, तो ये कहेगा गंजा मुस्लिम हूँ, कुछ नहीं मुस्लिम मुस्लिम, फिरका घर के अंदर। लेकिन ये तौहीन है कि अल्लाह आपका नाम रखे मुस्लिम और आप उस नाम को छोड़कर कोई और नाम अपना रखें, तो कितनी बड़ी तौहीन की बात है। बस बरादर अजीज, अब मसाला ये आता है, हमारे भाई कुछ हजरात ये कहते हैं कि उनको कहने का हक है, कभी किसी की बात पर बुरा ना माना कीजिए, ना किसी की नियत पर हमला किया कीजिए, गलत फहमियाँ होती हैं। कि साहब आप ये आज़ादारी कब तक करते रहेंगे, अब तो 1400 बरस हो गए। ठीक है, किसी आप जिस लिहाज से कह रहे हैं उस लिहाज से बुरी बात नहीं है, मगर हम आज़ादारी कब से कर रहे हैं, 1400 बरस, इसमें हम क्या करते हैं, मजलिस करते हैं, मातम करते हैं, सीना जनी करते हैं, खाना तकसीम करते हैं, कुछ गरीबों का पेट भर जाता है, सबीले लगाते हैं, कुछ प्यासे सैराब हो जाते हैं, ये हम क्यों करते हैं कि एक नबीज़ादा दीन के ऊपर कुर्बान हो गया, जब वो कुर्बान हुआ तो वो भूखा भी था और वो प्यासा भी था, और ये नबी ज़्यादा जो कुर्बान हुआ है, गौर कीजिएगा, ये नबी ज़्यादा जो कुर्बान हुआ है, जब हमने इसके ख़ानदान की तारीख पढ़ी, जब हमने इसके ख़ानदान की हिस्ट्री पढ़ी,
तो इसके ख़ानदान की हिस्ट्री और तारीख ने हमको ये बताया कि ये खुद भूखे होते हैं मगर दूसरों को खाना खिला देते हैं, ये खुद प्यासे रहते हैं मगर अपने दुश्मन को पानी पिला देते हैं। तो जब हमने इनका मिजाज ये देखा कि ये खुद भूखे रहते हैं मगर दूसरों को खाना खिला देते हैं, सूरह दहर शायद है, ये खुद प्यासे रहते हैं दुश्मन को पानी पिला देते हैं, वाकया होर शाहिद है, तो हुसैन तो मौजूद नहीं कि हमको खाना खिला दें, अब वो प्यासा शहीद तो मौजूद नहीं कि हम उसे पानी पिला दें, लेकिन उसका मिजाज हमको मालूम है कि ये दूसरों को खाना खिलाकर ज्यादा खुश होता है, ये दूसरों को पानी पिलाकर ज्यादा खुश होता है, इसलिए हमने उसके नाम पर दूसरों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, उसके नाम पर हमने दूसरों को पानी पिलाना शुरू कर दिया। ये हमने क्या गलती की भाई, इसमें क्या गलत बात है? एक नबीजादा कुर्बान हो गया, उसकी यादगार हम 1400 बरस से मना रहे हैं, तो कुछ लोगों को ज़रा इस पर शकूक व शुबहात हो रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हज़रत इब्राहिम से आपका क्या रिश्ता है? हज़रत इब्राहिम हमारे रसूल हैं, बुजुर्ग तरीन रसूल हैं, मासूम हैं, नबी हैं, उल्लज़म पैगंबर हैं, मगर मैं आपसे पूछूँ सारे मुसलमानों से कि आप उम्मत मोहम्मद हैं या उम्मत इब्राहिम हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उम्मत मोहम्मदी हैं, तो अकीदे अकीदत का रिश्ता है, अमल का रिश्ता नहीं है। वो मैदान मिना में एक बच्चे को लेकर आते हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया कि ज़बह कर दो उस बच्चे को, ख्वाब देखा है, अपने ख्याल में अपने बच्चे को ज़बह कर देते हैं, आँख खुलती है, देखते हैं बच्चा ज़बह नहीं हुआ, दुम्बा ज़बह हो गया। तो एक नबी ज़ादा ज़बह नहीं हो सका, उसकी जगह दुम्बा ज़बह करा दिया गया, तो 4000 वर्ष से कितने दुम्बे कुर्बान हो रहे हैं? भाई हज का कौन सा ऐसा रुकन है जो यादगार नहीं है, मुझे आप बताइए, कितना गहराई में मुसलमानों को जाना चाहिए। हज बस मजे से वक्त खत्म हो रहा है, हज का कौन सा रुकन है ऐसा कि जो यादगार नहीं है? ये दुम्बे जो आप ज़बह करते हैं, ये बकरे जो आप काटते हैं, ये काहे की यादगार है? ये सब उसी दुम्बे की यादगार है। और यह आप मामूली बात ना समझिए, रिवायात का मसला नहीं है, कुरान मजीद में है, केवल बुदना जालना हलकुम शाहिरल्ला, ये कुर्बानी के जानवर जब तक बाजार में है जानवर हैं, लेकिन जब तुमने उनको खरीद लिया कुर्बानी की नीयत से, तो वो जानवर नहीं रह गया, वो शायर इलाही बन गए। ये कुरान कह रहा है भाई, ये कुरान कह रहा है, मैं थोड़ी कह रहा हूं, मैंने आयत पढ़ दिया आपके सामने, कबल बुदना जालना लकुम मिन शाइरिल्लाह, लासा और आगे बढ़ जाऊं, खाली दुम्बे ही शायर इलाही नहीं है, वल कलायद, इन दुम्बों के गलों में जो पट्टे तुम डालते हो, ये भी शायर इलाही। क्यों? इसलिए कि दुम्बे गले में जो पट्टा डालते हो, ये मंसूब है इस दुम्बे की तरफ, दुम्बा मंसूब है उस दुम्बे की तरफ, वो दुम्बा वो है कि जिसने इस्माइल के बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, देखा आपने, और वो इस्माइल थे एक नबी खुदा के बेटे, तो कितने फासलों से होता हुआ सिलसिला जाकर टूटा कहां पर? अल्लाह पर। इसलिए ये गले के पट्टे भी जानवरों के शायर इलाही हो गए। क्यों? इस पट्टे को देखोगे तो दुम्बा याद आएगा, दुम्बे को देखोगे तो वो दुम्बा याद आएगा, वो दुम्बा याद आएगा तो इस्माइल याद आएंगे, इस्माइल याद आएंगे तो इब्राहिम याद आएंगे, इब्राहिम याद आएंगे तो खुदा याद आएगा। तो अगर वो शायर इलाही है, तो फिर सबील हुसैनी शायर इलाही क्यों नहीं है? आप जब पानी पिएंगे तो कोई प्यासा याद आएगा, जब प्यासा याद आएगा तो करबला याद आएगी, जब करबला याद आएगा तो हुसैन याद आएंगे, जब हुसैन याद आएंगे तो रसूल याद आएंगे, जब रसूल याद आएंगे तो खुदा याद आएगा। तो वही सिलसिला यहां के ऊपर है,
मैं गुज़श्ता साल गया था हज करने के लिए। आप हज़रात तो माशाल्लाह बहुत हज करने के लिए जाते हों, वहाँ कोई इख्तलाफ नहीं था शिया सुन्नी सब एक। अच्छा, कहीं कोई हादसा नहीं होता? आप मुझे बता दें, तवाफ़ में सुना आपने कभी कोई आदमी कुचल के मरा है? सुना है आपने? सही जब होती है सफ़ा मरवा के बीच में, उसमें भी तो बड़ा मजमा होता है। कभी सुना आपने कोई आदमी मरा है उसमें कुचल के? नहीं। कुर्बानी में सुना आपने कभी कोई आदमी मरा है? नहीं। आदमी कहाँ मरते हैं? हर साल, कभी कम कभी ज़्यादा। बात क्या है कि तीन पत्थर लगे हुए हैं मीना से बाहर। ये तीन पत्थर क्या हैं? यादगार हैं शैतान की। शैतान ने यहाँ बहकाया था, यहाँ 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 बहकाया था। अब आप गौर कर लीजिए, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूँ। ये पत्थर अब से 50 साल पहले ज़मीन से 2 फीट ऊंचे थे ये। अब जब हाजियों का मजमा बहुत बढ़ा तो एक पुल बनाया गया उसी रास्ते पर जहाँ लोग रमी करने के लिए आते थे। तो अब पुल बनाया गया तो पत्थर कैसे मारें? लिहाजा उस शैतान के कद को ऊंचा किया गया। उसने पहले पुल के नीचे से अपनी गर्दन निकाली। क्यों? जो जाते शुरू गया वो बताया, मैं गलत कह रहा हूँ? और मजमा पड़ा तो एक पुल उसके ऊपर और बनाया गया। अब वहां कैसे मारे? तो उसका कद और ऊंचा हुआ, उसने उस मौके से अपना सर निकाला तो जो इतना सा था वो। तो ये बिदत तो नहीं हुई? अबे रसूल के जमाने में तो ये इतना ही सा था। ये आप शैतान कद बढ़ाने वाले कौन? कद भाई तो किसी रहमान के नुमाइंदे के बनाए, शैतान को बढ़ाने से क्या हासिल है? कभी हम शैतान का कद इसलिए बढ़ा रहे हैं कि पिटे ज्यादा, ये तो बिदत तो नहीं हुई ना? हम भी नहीं कहते बिदत नहीं है, बिल्कुल सही है। इसलिए कि बिदत वो शय होती है, एक जुमले याद रखिएगा, बिदत वो शय होती है जो सुन्नत के रास्ते में रुकावट बन जाए, जो सुन्नत में सहूलत पैदा करे वो सुन्नत होती है, बिदत नहीं होती। अब हम बुरा ना मानिएगा, देखिए मीना में आज तक कोई आदमी कुचल के नहीं मरा, तवाफ में कोई नहीं मरा, सही में कोई नहीं मरा, यहीं पर मरते हैं लोग। क्यों? अबे आप जब किसी को मारने जाइएगा तो वो भी तो बदला लेगा। चोट तो सब खाते हैं, इसलिए कि वो एक वेल कुआं ऐसा बना हुआ है और चारों तरफ से लोग पत्थर मार रहे हैं। अब हर आदमी मिलिट्री का आदमी थोड़ी है कि जिसका निशाना बिल्कुल सही हो, उसको 7 पत्थर मारना होते हैं, 7-7 पत्थर, वो 25-25 पत्थर लेके जाता है कि वो पढ़ना जरूरी है उसके लिए। तो वो उसके तो 7 पड़ते हैं और जो आसपास खड़े मारे, किसी के यहाँ पड़ा, किसी के यहाँ पड़ा, किसी के यहाँ पड़ा, किसी के यहाँ पड़ा, हम लोग अलग पिटते रहते हैं। मेरे खुद ही नाक को पड़ा के पत्थर है, खून निकलने लगा। और किया आपने? तो चूंकि कहीं शैतान को नहीं मारा जाता है, यहाँ शैतान को मारा जाता है, तो कहता है कि तुम अगर मुझे मारो तो मैं भी छोड़ूंगा ही तुमको। और उसके बाद एक पत्थर वो है जो काबे के अंदर लगा हुआ है। देखिए पत्थर ये भी है, पत्थर वो भी है, मगर वो हिदायत करने वाला है या गुमराह करने वाला है? ये जूते खा रहा है उसको बोसा लगाया जा रहा है, इसके ढेले पड़ रहे हैं उसको चूमा जा रहा है। अगर इसको ढेले न मारे जाए तो हज नहीं हो सकता, उसको बोसा ना दिया जाए या कम से कम इस्तेसलाम ना हो तो हज नहीं हो सकता। और जब हज करने के लिए जाते हैं तो हिजर इस्माइल भी देखा होगा आपने, काबे के एक तरफ एक दीवार ऐसी बनी हुई है। कोई शिया सुन्नी के अख्तिलाफ नहीं है, कोई देवबंदी बरेलवी के अख्तिलाफ नहीं है, हर मसले का हुक्म यह है, हर मसलक के का हुक्म यह है कि देखो जब काबे का तवाफ करो तो इस दीवार और काबे के बीच से न गुजरना, वो काफ़ी 3-3.5-4 मीटर का फासला है, उसके बाहर बाहर जाओ। ये क्यों भाई? क्यों क्यों? अब या तो ना बताएं क्यों, ये जो मैं कह रहा हूं उसको समाज फरमाए।
बात क्या है कि वो जो पोर्शन है उसके अंदर हजरत इस्माईल और हजरत हाजरा की कब्रें हैं। सुन लीजिए, समझ लीजिए, ये कोई शिया सुन्नी का मसला नहीं, मैं तो कर रहा हूँ इस्लाम की बात करूँगा, मैं हर फिरके में मुझे बात मसला है कि हजरत इस्माईल और हजरत हाजरा की कब्रें हैं उस पोर्शन के अंदर। तो हाजियों को तवाफ काबा करने का हुक्म है मगर उन कब्रों को अपने पैरों से रौंदने की इजाजत नहीं है। ये कब्रों का एहतराम नहीं है तो फिर क्या है? मैं खाली एहतराम की बात कर रहा हूं, ये कब्रों का एहतराम नहीं है तो फिर क्या है? बस यहीं से मसायब मजलिस का वक्त खत्म हो गया। आपने मजाक समझा, हजरत इस्माईल हजरत हाजरा के इंतकाल को, शहीद नहीं हुए थे, इंतकाल को हजारों बरस गुजर गए और सुबह क़यामत तक जब तक हज होता रहेगा कैसे ही मुकद्दस हाजी क्यों न जाएं, कैसे ही मुफ्तियान दीन क्यों न जाएं, कैसे ही मुस्तहिदीन किराम क्यों न जाएं, कैसे ही बुजुर्ग लोग क्यों न जाएं, किसी को इस बात की इजाज़त नहीं है कि तुम तवाफ के दौरान भी हाजरा और इस्माईल की कब्र को रौंदते हुए पैरों से ले जाओ। मिजाज इस्लाम को समझे, जो इस्लाम एक नबी जादे की कब्र के ऊपर से इस्लाम मुसलमानों को गुजरने की इजाजत न दे, उन मुसलमानों ने क्या जजा दी इसकी कि अपने ही नबी का नवासा और करबला के मैदान में उसकी लाश है टुकड़े टुकड़े और घोड़े उस लाश को पामाल कर रहे हैं, इधर के सवार उधर और उधर के सवार इधर। बस बात बहुत लंबी थी लेकिन वक्त खत्म हो गया, तो मैं बस जवाब दे दूं कि कब तक हम आजादी, अब हमें क्या, हमसे कहिए मैं आज रोक दें आजादी, मैंने कोई मसला नहीं है, हमसे कहिए कि हम आज आजादी रोक, हम रोक देंगे, ऐसा मसला नहीं है, मगर पहले आपको उधर से सिग्नल लेना पड़ेगा माबूद की तरफ से, इसलिए कि उसने खाके करबला को आजादार बना रखा है। हम तो अपनी आंखों से आंसू बहाते हैं, मजलिस में आकर बैठते हैं, लेकिन सिंध में, पाकिस्तान के और दीगर मकामात पर, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, शियों के पास भी और सुन्नियों के पास भी, मैं कोई बात ऐसी बरसी कि मुझे कोई टोक सके, मैंने खुद देखा है कि जिन जिन बुजुर्गों के पास शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं, तुर्बत हुसैनी की तस्बीह मौजूद है, दाने उस खाक के जो तुर्बत हुसैनी के हैं, वो दाने आशूर का दिन आया, जवाल का वक्त आया और उन्होंने अपना मटियाला लिबास उतार कर खून का लिबास पहनना शुरू किया। तो जिस दिन से अल्लाह इस मिट्टी का सोग बढ़ा देगा और ये मिट्टी खून में तब्दील नहीं होगी, उसी दिन से हम भी अपनी रदारी को बढ़ा देंगे, लेकिन जब उसकी तरफ से बनाई हुई मिट्टी हुसैन का सोग मना रही है, हुसैन का गम मना रही है, सुर्ख रंग में तब्दील होकर जिसको मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो अब अगर कोई अपने अपने तरीके से मनाई हो, मैं बात नहीं कहता हूँ, ये मैं नहीं कहता कि हमारे तरीके अपने तरीके से मनाई है, कोई कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन हुसैन का गम तो आपको मनाना पड़ेगा, और अगर कोई आदमी हुसैन का गम नहीं मनाएगा तो मैं समझूंगा कि वो मिट्टी से भी बदतर है, वो खाक से भी बदतर है। इसलिए कि खाक इशारे कुदरत के ऊपर आशूर के दिन सुर्ख होती है, जिसको यकीन आए वो पता मालूम करे, वो जाके अपनी आंखों से देखे जैसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। और यह सुन्नत भी किसकी कायम की हुई है? रसूल की। बस आज मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा मसाहब, वक्त बहुत हो गया। हुसैन मदीने से चल रहे हैं, नानी 90 साल से ज्यादा उम्र, उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा झुकी हुई कमर लकड़ी का सहारा किए आती, बेटा कहाँ जा रहे हो, बेटा मेरे लाल कहाँ जा रहे हो? कहा नानी मदीना छोड़ रहा हूँ, मदीना रहने के लायक नहीं रह गया, जा रहा हूँ, मुझे इस्लाम को बचाना है। कहा बेटा सब तरफ जाना, इराक न जाना। कहा क्यों? अब सारे मुसलमान सुने अपनी अपनी किताबों को देखे, मैं शिया किताबों थोड़ी पढ़ रहा हूँ, ये अब सुन्नी किताबों में रिवायतें भरी हुई है। कहा बेटा क्यों? कहा नानी क्यों? कहा तुम्हारे नाना मुझे बता गए हैं
کربلا ایک مقام ہے عراق میں, وہاں تم مظلومیت کے ساتھ شہید کر دیے جاؤ گے. اور آپ معلوم ہے کہ حضور نے خالی بتایا نہیں تھا, وقت ختم ہو گیا, میں تفصیلات مٹی دی تھی کربلا کی اٹھا کے. تمام بزرگ ترین علماء اہل سنت نے واقعہ لکھا ہے. کہا ام سلمہ تم زندہ رہو گی اس وقت تک, اپنے پاس رکھنا, جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھنا میرا بچہ شہید ہو گیا. تو پھر رسول نے کیا کہا تھا؟ رسول نے کہا تھا جب مٹی سرخ ہو جائے تو خوب ہنسنا, یہ کہا تھا. یہ کہا تھا کہ لال کپڑے پہننا, یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ وہ رسول کے عمل سے ظاہر ہے. اس لیے کہا معلوم ہے کہ جب عاشور کے دن ام سلمہ نے, حضرت ام سلمہ نے رسول کا خواب میں دیکھا ہے تو خود بتاتی کہ میں نے یہ عالم دیکھا کہ سر و ریش پر خاک پڑی ہوئی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. بس کہا نانی آپ کو تو اتنا ہی معلوم ہے کہ میں کربلا میں شہید ہوں گا, اور مجھے تو وہ نقطے معلوم ہیں, وہ مقامات معلوم ہیں جہاں جہاں علی اکبر شہید ہوگا, جہاں عباس شہید ہوگا, جہاں قاسم شہید ہوگا, جہاں اور نو محمد شہید ہوں گے. کہا بیٹا میں نے اس زمین کے بڑے فضائل سنے ہیں, کیا اس کی زیارت کر سکتی ہوں؟ کہا نانی کیوں نہیں, میرے پاس آئیے, میرے پاس آ جائیے. بھائی ایک منٹ, مجلس ختم ہو رہی, آئیے میرے پاس. نانی آئی, حسین نے ہاتھ اٹھایا, اٹھانے کے بعد ہاتھ جھکا, زمین کے سارے تختے پست ہوئے, کربلا سامنے آ گئی. کہا نانی کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ کہا بیٹا ایک ریگزار ہے, ایک ریگستان ہے, اس میں ایک نہر بہہ رہی ہے. کہا یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کا نواسا شہید کیا جائے. نانی میرے پاس آئیے. حسین نے انگلی اٹھائی, دیکھیے وہ جگہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا, یہی جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرا یتیم بھتیجا قاسم گھوڑوں کے سموسے پامال ہوگا. یہ حسین اپنی زندگی میں زیارت کرا رہے ہیں. نانی وہ جگہ دکھائی دے رہی نا آپ کو, یہی میرا بچہ علی اکبر گھوڑے سے گرے گا. نانی یہ نہر فرات دکھائی دے رہی نا, اسی کنارے میرا یہ شیر سبھائی عباس, اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے پڑی ہوگی. نانی ایک تھوڑی سی بلندی آپ کو ٹیلا دکھائی دے رہا ہے نا, یہیں یہ بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے, جو کربلا پہنچ کر 6 مہینے کا ہوگا, یہ میری گود میں شہید ہوگا. اور نانی وہ آپ کو ایک پست جگہ دکھائی دے رہی نشیب, یہی جگہ وہ جگہ ہے جہاں میں سجدے کے عالم میں ہوں گا اور میرے گلے پر. یہ سب نانا مجھے بتا گئے ہیں, نانا بتا گئے ہیں. اس کے بعد حسین نے ہاتھ آگے بڑھایا, وہاں سے مٹی اٹھائی, اٹھانے کے بعد نانی کو دی, کہا کہ نانی نانا نے جو مٹی آپ کو دی ہے نا, اس کو بھی لے جا کے اسی مٹی کے ساتھ رکھ لیجیے, 2 شیشیوں میں رکھ لیجیے, ایک شیشی میں وہ ہے, ایک میں اس کو رکھ لیجیے, جب وہ مٹی خوش سرخ ہوگی تو یہ مٹی بھی سرخ ہو جائے گی. بس داداروں حسین روانہ ہو گئے, نانی پلٹ کے گھر میں آ گئی, دن گزرنے لگے, محرم کا مہینہ شروع ہوا. اب ام سلمہ کا بیان یہ ہے کہ محرم کا چاند دیکھنے کے بعد, آج 1400 برس کے بعد آپ اتنا بے چین ہو جاتے ہیں چاند دیکھنے کے بعد, تو نانی کہہ رہی تو کیا غلط کہہ رہی ہے, فرماتی کہ دل پر میرے چھریاں چلنا شروع ہوئی. یہاں تک کہ جب عاشور کا دن آیا تو فرماتی ہیں کہ روز تو میں ان مٹیوں کو ایک مرتبہ آ کر دیکھتی تھی, لیکن عاشور کو اتنا بے چین تھی کہ بار 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 آ کے اس مٹی کو دیکھتی تھی. یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جب میں جا کر مٹیوں کو دیکھا, دونوں مٹیوں کو دیکھا, دونوں مٹیاں اپنی جگہ پر ہیں, میں نے کہا ٹھیک ہے میرا بچہ زندہ ہے, رسول کا نواسا زندہ ہے. اس کے بعد میں تھک گئی, میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں رسول کو دیکھا کہ رسول تشریف لائیں, جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے آئے ہیں رسول. عالم کیا ہے کہ سر و ریش پر خاک پڑی ہوئی ہے, آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, ہاتھوں میں 2 شیشے لیے ہوئے ہیں جن میں خون تازہ جوش مار رہا ہے. کہا ام سلمہ تم سو رہی ہو, تم بڑے آرام سے مدینے میں سو رہی ہو, تمہیں پتہ نہیں کربلا میں میرا چمن پامال ہو گیا, میرا بچہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا. ام سلمہ میں آج صبح سے کربلا کے میدان میں تھا, یہ 2 شیشے دکھائی دے رہے ہیں نا تم کو, اس میں حسین اور صاحب حسین کا خون ہے. بس ام سلمہ کی آنکھ گھبرا کر کھلی, ایک مرتبہ آ کر ان شیشوں کو دیکھا جہاں مٹی تھی, دیکھا کہ خون تازہ جوش مار رہا ہے. وا محمد وا علی وسیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صلى الله عليك يا مولاي يا ابو عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك وعلى جدك وابيك السلام عليك وعلى امك واخيك السلام عليك وعلى الأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين من بنيك السلام عليك وعلى المستشهدين معك السلام عليك يا أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوزا عظيما فيا ليتني كنت معكم فأفوز معكم السلام عليكم يا جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى رضا راضي بالقضي والقضاء حجة الله ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولانا يا صاحب الأمر والأسر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا مظلمان السلام عليك يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وأوانك الصلاة والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته چند ضروری اعلانات سماعت فرمائیں مجلس ختم ہوتے ہی برائے مہربانی اپنی اپنی موٹر سائیکلیں موٹر سائیکل اسٹینڈ سے جلد حاصل کر لیں تاکہ رضاکار دوسرے کاموں میں شرکت